बावल से बीजेपी प्रत्याशी बनवारी लाल को जीत सुनिश्चित करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को आरती ने फिर बनवारी लाल के लिए प्रचार किया और बीजेपी की नीतियों को जनता के बीच रखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बावल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बनवारी लाल की ओर से स्टार प्रचारक और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी खूब पसीना बहा रही है। मंगलवार को डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में उनके बेटे पंकज और पत्नी ममता ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस मौके पर ग्रामीणों ने पगड़ी और फूल मालाओं से आरती राव का स्वागत किया। आरती राव ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए और सीएम प्रदेश में अच्छा काम करवा रहे हैं। कि आने वाली 21 तारीख को आप सब जानते हैं कि चुनाव है और बावल में तो एक ऐसा माहौल बन गया है आज के दिन के सब रंजिशों के रंजिशों में अपने बहते जाते हैं। पर आपकी बात हित की बात करने मैं आप सबसे आई कि सरकार तो बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आरती राव को लोगों ने बनवारी लाल को जिताने का भरोसा भी दिया, लेकिन असल तस्वीर तो 24 अक्टूबर को साफ होगी जब जनता अपने हलके के लिए सबसे बेहतर विधायक चुनेगी। खबरें अभी तक के लिए बावल से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।